चार दिनों तक चलने वाली छठ पूजा का महापर्व पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया गया। छठ पर्व के आखिरी दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही यह महापर्व संपन्न हो गया। भागलपुर व भागलपुर के आसपास की सभी छठ घाटों पर श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। इस दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद सभी श्रद्धालु घाटों से अपने घरों की ओर लौट गए। अर्घ्य देने के लिए तड़के सुबह से ही छठ घाटों पर लोगों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई। व्रतधारी महिलाओं ने सुबह से छठ मैया का ध्यान लगाकर सूर्य की उपासना की। सुबह के अर्घ्य के साथ ही 36 घंटे के निर्जला व्रत की कठिन तप के साथ छठ व्रत की समाप्ति हुई। चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में दो बार सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। पहले अर्घ्य षष्ठी तिथि के दिन डूबते सूर्य को दिया जाता है, जबकि दूसरा अर्घ्य सप्तमी तिथि को उदय होने वाले भगवान भास्कर को दिया जाता है। नदी तालाब नहरों और घरों पर बने छोटे तालाब में पानी में उतरकर महिलाओं ने भगवान भास्कर को अर्घ देकर व्रत का समापन किया। सभी घाटों पर भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। वहीं एसडीआरएफ की टीम भी लगातार लगी हुई थी। हर घाटों पर बैरिकेडिंग, पर्याप्त लाइट और सीसीटीवी कैमरे की मुकम्मल व्यवस्था हुई थी ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। bihar.masti.in bihar.masti.in सजल सुभे मनवा पुरुवी
बिहार मास्ती डॉट इन। मैं सुबोध कुमार शाश्वत प्रॉपर्टी की ओर से भागलपुर एवं बिहार वासियों को काली पूजा एवं छठ पूजा की ढेर सारे शुभकामना देता हूँ। माँ लक्ष्मी आप सभी के घर आवे पधारे और सुख समृद्धि आप लोग को दे। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ छठी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, अध्यक्ष जीवन जागृति सोसाइटी। समस्त देशवासियों को दीपावली, काली पूजा और आस्था के महापर्व छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। पर्व खुशियों के लिए आता है, लेकिन असावधानियों के चलते पर्व के त्यौहार के उमंग में बाधा नहीं पड़ जाए, इसलिए सावधानी रखें। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पटाखों पर बैन किया गया है, देश हित में किया गया है, पॉल्यूशन के मद्देनजर किया गया है। हमारा कर्तव्य है कि इसका पालन करें। साथ ही छठ में पानी के समीप हम लोग जाते हैं, महिलाओं बच्चों का विशेष ध्यान रखें, कोई दुर्घटना नहीं हो। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं विशाल कुमार, अंग डेवलपर्स 0 माइल भागलपुर की ओर से आप तमाम देशवासियों को एवं शहर वासियों को दीपावली, काली पूजा एवं छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय माँ काली। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में ज़रूर संपर्क करें।